Arvind sir, you can, I have unmuted you. You can ask your question, please. Brilliant, brilliant. It's final comment. Sir, मेरा स्पाइन में प्रॉब्लम है, स्पाइन कोड और स्पाइन में भी प्रॉब्लम है, उसमें लंबर स्टेनोसिस है, स्पाइन लंबर स्टेनोसिस, डॉक्टर जो है ऑपरेशन के लिए बोला है। ऑपरेशन से स्टेनोसिस चला जाएगा क्या? स्टेनोसिस होता क्या? आप जब को आपको कुछ डॉक्टर बताते हैं या आप कुछ उसके बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसे अपने समझ के हिसाब से जब तक आप लेके नहीं आएंगे ना, तब तक वो केवल शब्द ही रहेंगे। स्टेनोसिस का मतलब क्या था? हार्ड हो जाना, किसी जगह का स्टिफ हो जाना। अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आप कुंभक करना जब शुरू करते हैं तो आपके शरीर में कई जगह हार्ड स्किन होता है, जैसे कोहनी में या बटक्स पे हार्ड स्किन होता है कई मौके। अगर आप कुंभक करना शुरू करें 2 से 3 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि ये सॉफ्ट हो गया, जहां भी हार्ड स्किन था वो सॉफ्ट हो गया। तो वो सॉफ्ट हुआ क्यों, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा। आप और भी बहुत जरा सा में अगर मैं समझाना चाहूं तो वहां पे पानी की मात्रा यानी उदक वाह इसे कहते हैं, पानी कैरी करने का जो स्रोत है वो लॉक हो गया, वो वहां जा नहीं पा रहा, तो सॉफ्टनेस नहीं आ पा रहा। कोई चीज ब्लॉक हो गई तो हार्ड हो जाएगी, वहां पे हार्ड हो जाएगा। अब आप ब्लॉक होने पे करते क्या, आपने किचन का सिंक ब्लॉक हो गया तो करते क्या, थोड़ा जोर लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, थोड़ा जोर लगाते हैं तो वो खुलता है। अपने शरीर के अंदर थोड़ा जोर लगाएंगे तो ये स्रोत खुल जाएंगे। जब आप कुंभक करेंगे तो ये चैनल्स खुल जाएंगे। 3 हफ्ता बताया, आप देखिए आपके स्किन सॉफ्ट हो जाएगा। करके देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे हम जेनेरिक कुंभक डाला हुआ है, आप करिए 3 हफ्ता, देखिए कि अचानक से आपकी बॉडी में सफलनेस आ जाएगा, सॉफ्टनेस आ जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर हार्ड आ गया ऑपरेट करके उसे निकाल लिया जाए तो क्या दोबारा हार्ड नहीं आएगा होगा, क्योंकि वो टेंडेंसी तो है आपके शरीर में, कहीं और हार्ड हो जाएगा। आपने सॉल्यूशन तो नहीं किया ना, आपने एक हार्डनेस को केवल स्क्रेप कर दिया, खरोच के निकाल दिया, काट के निकाल दिया, मगर हार्ड होने की होने का जो कारण है उस पे तो कोई काम ही नहीं किया आपने। तो अगर जरूरत पड़े, बहुत जरूरत पड़े तो ऑपरेट करना चाहिए, अदरवाइज आप देखेंगे अपने शरीर को थोड़ा मौका दीजिए, इसको ठीक कीजिए और देखेंगे कि ये उसी हार्डनेस को भी सॉफ्ट कर सकता है, जहां पे हो गया है उसको भी सॉफ्ट कर सकता है। रीढ़ की हड्डी के बारे में मैं बता चुका हूं, व्यान पक्ष हम इस पे काम करेंगे तो रीढ़ की हड्डी में स्ट्रेंथ आएगा, मजबूती आएगी। दूसरा, जहां पर भी हार्डनेस है वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो इससे आपका वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए जा सकता है। थोड़ा मौका दीजिए अपने शरीर को, ऑपरेट कराना है तो हम रोकेंगे नहीं, आप करा लीजिए, मगर प्रॉब्लम तो सॉल्व करें।